आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ कर्मियों को मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल के सदस्य ने दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कहा हिंसा किसी भी वजह से स्वीकार्य नहीं। नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री का बहुसूत्रीय रणनीति बनाने का आह्वान। कहा नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन करें सहयोग। राज्य भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। युवाओं को नशे की बुराइयों के प्रति किया सचेत। अपनी मांगों को लेकर आरईटी अध्यापकों ने जम्मू सहित विभिन्न जिलों में किया प्रदर्शन। आरक्षण की मांग को लेकर एससी एसटी संगठनों ने संयुक्त तौर पर रैली निकालकर आरक्षण की मांग। और स्पीकर सुरेंद्र गुप्ता ने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में 7 ट्रांसफार्मर्स का किया उद्घाटन। कहा लोगों को नहीं जूझना पड़ेगा कम वोल्टेज की समस्या से।